रावण का नाम रावण कैसे पड़ा? मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि अपने 10 सिरों की आहुति देने के बाद ही रावण का नाम दशानन पड़ा था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे रावण का नाम रावण कैसे पड़ गया। तो तैयार रहिए और ध्यान से सुनिए ये पूरी प्रस्तुति। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए। रावण स्वयं को शिव जी का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, इसीलिए एक बार वे शिव जी के निवास स्थल कैलाश में पहुंचे। लेकिन भगवान शिव शंकर के द्वार पर ही शिव जी की सवारी और उनके गण नंदी ने उन्हें रोक लिया। पहले तो रावण को बहुत ही क्रोध आया, लेकिन फिर उसने यह सोचा कि मुझे शांत रहना है और शिव जी के प्रति अपनी भक्ति को सिद्ध करना है। इसीलिए वो पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन कैलाश पर्वत हिलने लगा, जिससे शिव जी का ध्यान टूट गया। और जब उन्होंने देखा कि रावण इस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, तो उन्होंने अपना पांव पर्वत पर टिका दिया। लेकिन शिव जी के ऐसा करने से उस भारी भरकम पर्वत के नीचे रावण की कुछ उंगलियां दब गई और वो असहनीय पीड़ा से कराहने लगा, तड़पने लगा। लेकिन उस हालत में भी उसने देखा कि शिव जी क्रोधित हैं, उन्हें मनाना चाहिए और शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए ही, अपनी भक्ति भावना को साबित करने के लिए ही, असहनीय पीड़ा होने के बाद भी रावण ने तांडव स्तोत का पाठ करना शुरू कर दिया। जब शिव जी ने ऐसा देखा तो वह रावण की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे आकर चंद्रहास खड़क उपहार में दे दिया और नाम दिया रावण, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़ बहुत ही तेज हो। साथियों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और रोचक वीडियो, ज्ञानवर्धक जानकारियां आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।